नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सावन महीने की शिवरात्रि को अगर कुछ गुप्त उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी जो भी समस्या है वो सभी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सावन शिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करना चाहिए और उससे क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, सावन शिवरात्रि में पूजा शाम के समय या रात्रि के समय किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति धन संबंधी समस्या से परेशान है, जीवन में बहुत सारी परेशानी है, पैसे रुपए की दिक्कत है या कर्ज ले रखा है, तो इसके लिए सावन शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे कोई भी शिव मंदिर जो आपके घर के पास है वहां जाएं और शिव मंदिर का जो शिवलिंग है उसकी सफाई करें। वहां जो भी पूजन सामग्री वगैरह पड़ी है सबको साफ करके अलग रखें। दोस्तों, इस उपाय को करने से जीवन में आई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में संकट आ रहा है, हमेशा आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए सावन शिवरात्रि की रात में भगवान शिव के सामने 11 घी का दिया जलाएं और इसके साथ ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो सभी दूर हो जाएंगी और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उनको क्या करना चाहिए। उन लोगों को सावन शिवरात्रि की रात में भगवान के शिवलिंग के पास गुड़, अक्षत, तिल तीनों को रख के और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी सारी परेशानी है वो सभी दूर होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कुछ और नई जानकारी में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।